उधर कानपुर में दबंगों के डर से गरीब परिवार महाराजपुर के हाथी गांव से पलायन करने को मजबूर हो रहा है। ये मामला महाराजपुर थाना क्षेत्र हाथी गांव का है, जहां पर एक शख्स को गांव के ही दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर नशे में धुत होकर सिगरेट ना देने पर पहले तो उसके साथ जमकर मारपीट की और बाद में दुकान और घर पर तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी, जिसके बाद इस शख्स के परिवार ने वहां से किसी तरह से समय रहते भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में पुलिस ने पहले तो अधिकारियों के दबाव में FIR तक दर्ज नहीं की। इतना ही नहीं, दबंगों की गिरफ्तारी की बजाय उल्टे ही पीड़ित के लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किया जा रहा है। तो वही दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो पूरे गांव में दहशत का माहौल बनाकर उसको गांव से भगाने की धमकी दे रहे हैं, साथ ही पूरे परिवार को घर में ही जलाकर मार देने की धमकी देते नजर आते हैं। तस्वीरें आपके सामने, दरअसल ये तस्वीरें कानपुर से सामने आई है, जहां पर एक परिवार, पीड़ित परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया है। दबंगों के डर की वजह से वो पलायन करने को मजबूर है। दरअसल दबंग आए दिन अपनी दबंगई दिखाते हैं, परिवार के लोगों के साथ मारपिटाई करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ के बाद घर में आग तक लगा दी जाती है, जिसके बाद पीड़ित परिवार के लोग, इस परिवार के सदस्य वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं, वरना जिंदा ही वो आग में चल जाते। रात के 11 बजे थे, रामराज सरद और वो जसवंत इन लोग बीड़ी मसाला मांगने के लिए। 10 बजे दुकान बंद हो जाती है, हम 11 बजे दुकान नहीं खोले। इसके बाद पापा खटिया में लेटे थे, खटिया से उनको नीचे गिरा, हमारे पापा को बहुत मारा, भाभी को भी मारा, कस के मारा, लातों घूसे से मारा, डंडों से, दुकान में पूरा और घर में हमारे आग लगा दिया, वैसे सब लोग भाग गए। आज तक अभी तक कोई बुद्ध गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। बुद्ध, दबंगों की दबंगई का क्या है ये पूरा मामला? किस वजह से पीड़ित परिवार के घर में इस तरह से आग लगा दी गई, उनके साथ इस तरह से मारपीट की गई, वजह क्या है, विवाद क्या है? जी बिल्कुल सही कहा, कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र का एक मामला है। हाथी गांव है, एक इलाका गांव पड़ता है, जहां पर ये दबंग है, यादव परिवार है, काफी बड़ा परिवार है। लोगों का बताया जाता है ये पहाड़ों का एक परिवार है, जहां पे रहते थे, छोटी सी दुकान थी परचून की, यहां पर सिगरेट मांगने को लेकर एक विवाद हुआ। तो ये जो सभी लोग नशे में धुत थे और इन लोगों ने जो सिगरेट नहीं दी, सिगरेट लाने में उसको देर हो गई, तो उस कारण से काफी मारा। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि उन दबंगों ने इनके घर को पूरी आग लगा दी, इनकी दुकान लगा दी, आग लगा दी। जब इन लोगों ने पुलिस को इससे 100 नंबर पर लगातार फोन करते लगे, 70-80 बार फोन दिए, 100 नंबर पर मिला, मगर पुलिस वहां पर नहीं पहुंची और दबंगों ने जमकर उसके घर पर उत्पात मचाया। उसकी यहां तक की जो घायल है उसकी भाभी को, जो गर्भवती थी उसको भी पीटा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था की भैया होती दिखाई गई। आज इस मामले में जब इंस्पेक्टर और जो पूरा पीड़ित परिवार है उसकी यहाँ तक सरकार रहा और उल्टे इस परिवार को बता दिया गया, तो जहाँ उस विरोधी पक्ष के खिलाफ तो जो मामला वीडियो वायरल होने के बाद FIR तो दर्ज हुई, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। जब इस मामले पर SSP के पास ये परिवार पहुंचा तो SSP ने यह कहकर टाल दिया कि फिर जांच चल रही, जांच करकर इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ऐसे में दबंगों के डर के साए में जीने को ये जो पीड़ित परिवार मजबूर हो रहा है, गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है, इन लोगों का क्या? ये इंसाफ की मांग के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इन लोगों का क्या? पुलिस आखिरकार इनकी मदद क्यों नहीं कर रही? दबंगों की क्या इस तरह से वहां चलती है कि पुलिस भी नतमस्तक नजर आ रही है? अगर देखा जाए तो दबंगों ने पूरी तरह से वहां पर पुलिस स्टाफ भी के साठ कर दी है, जिस कारण से परिवार की बिल्कुल सुनी नहीं जा रही है, या परिवार पूरी तरह से गांव से पलायन करने को मजबूर है। और इसके जो परिजन है, ये कई भाई हैं और इनकी जो पत्नियां हैं, उस गांव में सिर्फ एक बूढ़ी माँ रह रही है, उसको भी इतना धक्का दिया है कि वहां से लोग रहने के घर में ताला डाल के वहां से चले आए हैं, क्योंकि वहां पर कभी भी काफी काफी बड़ा हादसा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ये सुरक्षा की मांग जो कप्तान से कह चुके हैं और थाना अध्यक्ष बात की गई, फोन द्वारा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में ये लोग झूठे हैं और किसी तरह की अफवाह फैला रहे हैं, जबकि वीडियो एक साक्ष्य है, उसमें दबंग उसके घर को आग लगा रहे हैं, उसके गांव से भगाने की बात कह रहे हैं, मगर यहां तक की पुलिस पूरी तरह से दबंगों का साथ दे रही है और आठ मिनट बैठी हुई है। जी शुक्रिया आपका बुद्ध गुप्ता, इन तस्वीरों के साथ साथ इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।